हमारे साल के पहले दिन की शुरुआत ऐसी ही होती है। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू न्यू डे न्यू ब्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज वाले ब्लॉग में हम सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे। सो सबसे पहला मंदिर ये आता है जो हमारे घर के सबसे पास में है, भोलेनाथ का मंदिर है। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, तो चलिए करते हैं दर्शन। हो गए हमारे यहाँ का दर्शन, अब दूसरे मंदिर चलने वाले। चलो आ चुके अपने सेकंड मंदिर पे। ये भाई साहब ने वीडियो बनाया ही नहीं, मतलब फोटो खींचे, मैं फोटो डाल दूंगा समझ जाना, इसमें वीडियो है ही नहीं। गुड गुड गुड। सो ये है हमारे नए कैमरा मैन, ये जिसने वीडियो नहीं बनाया है, सिर्फ फोटोज खींची है। इस बार वीडियो दिखाते, इस बार फोटो दिखा दी। सही है बेटा, क्या नया है तू? नया हूँ मैं, क्या नया है तू? चलो नेक्स्ट मंदिर में मिलते हैं। सो हम निकल रहे हैं दूसरे मंदिर जो कि दूर है। तो आपने जो दो मंदिर देखे वो अपने घर के पास में ही थे, इसलिए हमने फटाफट दर्शन कर लिया। हम बहुत लेट हो चुके, वैसे मॉर्निंग से थोड़ा सा काम था, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम इतना लेट मंदिर जा रहे हैं। देखते कौन से मंदिर खुले मिलते, कौन से मंदिर हमें बंद मिलते हैं। तो चलो चलते। हम लक्ष्मी मंदिर आए थे, लक्ष्मी मंदिर बंद हो चुका है, एक बज चुकी है। यार हम फर्स्ट टाइम मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हर बार जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ, नए साल की शुरुआत हमारी ऐसी होती है कि जैसे ही 7 बजते हैं हम नहा धो के निकल जाते हैं, 7 बजे निकलते, और वहाँ पे एक एरिया है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर 5-7 मंदिर है, गुरुद्वारा है, दरगाह है, तो उन सबके दर्शन करके फिर हम घर पहुंचते हैं। और समंदर तो पास में है, तो समंदर के भी दर्शन कर लेते हैं वहाँ पे। और ये 7-8 साल में फर्स्ट टाइम हम न्यू ईयर के दिन यहाँ पर है, नहीं तो हमेशा हम मुंबई में ही होते। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो अंतर लगा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी 31st मेरा ऐसा ही होता है जैसे आपने कल देखा है। हम घर पे ही रहते हैं, फिर पार्टी वार्टी तो होती नहीं हमारी, घर पे कुछ खाना पीना अच्छा सा बना लेते और खाना खा लेते, बस वही हमारा न्यू ईयर होता है। और मम्मी का बर्थडे भी है आज, तो वो बस मैं रात को कॉल कर देता था। अभी यहाँ पे थे तो हमने रात को विश कर दिया है, अब आज बर्थडे की प्लानिंग करनी है, देखते हैं क्या होता है। तो वो जो बर्थडे वाला ब्लॉग है वो तो आपको कल मिलेगा, ये तो मंदिर वाला ब्लॉग है, तो आज मंदिर ही हम घूमेंगे। हमारे साल के पहले दिन की शुरुआत ऐसी ही होती है, तो इस बार हम लेट हो गए। अब दादाजी मंदिर जा रहे हैं, उसका ब्लॉग मैं बना चुका हूँ, वैसे तो शनि मंदिर भी जाएंगे। तो ये दो मंदिर की उम्मीद है कि ये दो मंदिर चालू रहेंगे, बाकी सब मंदिर शायद बंद हो जाएंगे। तो देखते हैं वो वाले मंदिर चालू होते या बंद होते, तो वहीं पे जाते हैं। तो हम पहुँचने में दादाजी के मंदिर, यहाँ पे माता जी का मंदिर है, तो यहाँ पे भी आएंगे, पहले दादाजी के मंदिर जा रहे हैं। तो पहुँच चुके हम दादाजी के मंदिर, दादाजी का मंदिर यहाँ है, और इसका ब्लॉग पहले भी बना चुका हूँ मैं, तो अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है तो पूरा ब्लॉग देख लेना। और चलो चलते दर्शन करिए। बाकी मंदिर तो हमने नहीं बताया है, क्योंकि हम पहले वाले व्लॉग में बता चुके हैं, तो वो वाले व्लॉग को देख लेना, पूरा दिख जाएगा चैनल पे ही है, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वाला व्लॉग। तो चलो चलते दूसरे मंदिर। तो आ गए हम भवानी माता मंदिर, तो इसका व्लॉग भी हम बना चुके हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। Oh, 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 oh
हो चुके हमारे दर्शन और अब चलते हैं हम शनि मंदिर। शनि मंदिर का ब्लॉग तो कभी हमने बनाया नहीं, तो आज वो शनि मंदिर भी देख लेना। शायद मैंने बनाया हो, मुझे भी याद नहीं, इतने सारे ब्लॉग हो चुके। तो आ चुके हम शनि मंदिर। शायद हमने कभी अंदर से ब्लॉग नहीं बनाया, अंदर से दर्शन नहीं करवाए, तो चलो अंदर से दर्शन करते हैं। हो चुके हैं हमारे दर्शन सभी मंदिरों के जो जो खुले थे। अब कहाँ चलेंगे? घर चलेंगे। तो चलो अब हम घर निकलने वाले हैं। तो हम जो बात कर रहे थे, सभी मंदिरों के दर्शन हो चुके हैं जहाँ जहाँ हमें करना था, वो तो काफ़ी सारे मंदिर बंद भी है, तो वहाँ हमारे दर्शन नहीं हो पाए, वहाँ पे शाम को देखेंगे, अभी तो नहीं हो पाए। तो चलिए चलते हैं घर पे। और जैसा हमने बताया, आज मम्मी का जन्मदिन है, तो उनके बर्थडे की सरप्राइज की तैयारी करनी है, जिसका ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये वाले ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे, तब जाके वो वाला ब्लॉग चालू होगा। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले ब्लॉग से लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते कल वाले ब्लॉग में, जब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, आगे देख ले भाई, अभी ठोक देता, अभी ठोक देता, ब्लॉग एंड करने के चक्कर में ठुक जाती अभी। ओ भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कल 31 के दिन भी ठुकी, आज नहीं है के दिन ठुकता। तो चलो ठोकते ठोकते हम ब्लॉग को एंड करते, लेकिन अच्छा है ठुकी नहीं। तो आई होप आपका भी साल ऐसा अच्छा जाए और हम सबका साल अच्छा जाए। और ये जो कोरोना की बीमारी है, ये इस पर भी थोड़ी सी लगाम लगे और हम सबके साल जो पुराने जिनके खराब हुए हैं वो अच्छे जाए, और जिनके अच्छे गए उनके और अच्छे जाए। तो इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ओके बाय बाय। वैसे कल वाला ब्लॉग देखना ना भूले, जो कि सरप्राइजिंग ब्लॉग होने वाला है। मम्मा को देंगे सरप्राइज, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।